बैच नंबर 37 को मैं पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम बेटा कैसे पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में चलेंगे। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एग्जाम से, मैं कैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है उसको मैं शुरुआत करके आपको एक डेमो दिखाऊंगी बढ़िया सा। बेटा इंग्लिश में जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो सामने आपको सब कुछ पता होता है कि बेटा ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक परफेक्ट तरीके से, मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई का एक चार्ट दे देती हूँ, और वो है हमारा सिलेबस। जब आप सिलेबस की बात करो तो आप याद रखिएगा कि आपको डिटेक्टिंग एरर करना है, आपको पता ही है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। और बेटा डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सामान्यतः ग्रामर पर बेस्ड होता है, याद रखिएगा। डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा ग्रामर पे बेस्ड हमारा पैसिव वॉइस और नरेशन के अलग से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इस पोर्शन को देखोगे तो इस पोर्शन के लिए बेटा आपका जो ग्रामर का पोर्शन है ये सारा है, यानी जस्ट इन सारे चैप्टर्स खत्म, नहीं तो से आउट ऑफ योर बैच। फिर एक साल का आपका पूरा कंप्लीट होता है जिस दिन बैच शुरू होगा, उस दिन से लेकर आपका एक साल तक इस बैच की वैलिडिटी होती है, और इस बीच आप जितनी बार चाहो देख सकते हो। बट ये पूरा सिलेबस है, याद रखिएगा। इसमें हम जो सिलेबस लेते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन जो मैं आज दे रही हूं आपको, वर्ब टेंस क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेटा एक और टाइम, एक और नाम है, वो है सिंटेक्स। कॉजिटिव वर्ब मूड इन्वर्जन इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल पैसिव वॉइस नरेशन, याद रखिएगा। इतना जो है ये सारे वर्ब से रिलेटेड है। सौरव मोस्ट वेलकम। बेटा टाइम टेबल तो आपका 6 से 7:30 होता है, लेकिन अगर बाय चांस कभी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे आज मेरा भयंकर सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे केरी लाइव ने कहा कि आप एक वीडियो बना के आज क्लास ऑफ कर दो, कि आज मैं क्लास नहीं ले सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो मैंने बनाया और मैंने कहा मैं रात को 10 बजे लूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर आप 3 क्लासेस पर वीक कर रहे हो तो 3 क्लासेस पर वीक मेरा करना मेरा धर्म बनता है ना। कहते हैं ना, काम एक अलग चीज है, एक धर्म अलग चीज है। काम से कभी इधर उधर हो जाते हैं लोग, धर्म से नहीं होते हैं ना। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं 3 क्लासेस मैंने कहा तो मैं लूं। हाँ, ये जरूर है कि कई बार चैप्टर खत्म होने वाला होता है तो मैं 1 घंटे में भी छोड़ देती हूँ, है ना। टाइम टेबल अंशुल आपका होगा, मैं बता देती हूँ, आज कौन सा दिन है, वेंसडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 से 7:30, ठीक है। इतना तो हो गया वर्ब से रिलेटेड, यानी अगर टेंस पढ़ते हो बेटा आप, तो टेंस के बाद यहां तक आपको टेंस काम आएगा। उसके बाद जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूं वो है नाउन, और ये सारे चैप्टर्स लिख के रख लेना आप। ये सारे चैप्टर्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मतलब आप वर्ब से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर मैं टेंस से शुरू करूंगी बेटा तो टेंस के बाद क्वेश्चन टैग हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, ये जरूर होगा, ठीक है। Noun, pronoun, adjective, adverb, article, preposition और conjunction। बेटा parallelism आपके conjunction के साथ में मिला के पढ़ाती हूँ। तो ये आपका हो गया complete, क्या parts of speech, models, superfluous, spellings, proverbs और कुछ legal terms होते हैं जिससे questions repeat होते हैं। इसके अलावा मैं आपको 20 vocabulary के sheets कराऊंगी, सबका synonym, antonym मैं discuss करूंगी। और अगर आप कहोगे कि मैम हमें कैसे नोट्स बनाना है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी बेटा कि नोट्स कैसे बनाना है वो अगर आप पूछोगे, आपकी मर्जी लिखो बैठ के, नहीं तो आपकी मर्जी आराम से बैठो और सिर्फ कंसंट्रेट करके पढ़ो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे मुझे तो लिखने की आदत है, तो बेटा एक काम करो, आप इस किताब को देख रहे हो, ये किताब जो है क्लास नोट्स, इस किताब को आप ले सकते हो आपकी मर्जी। हालांकि इस किताब का पूरा कलर्ड पीडीएफ मैं आपको लोड कर दूंगी, लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं मुझे किताब हाथ में चाहिए क्योंकि मुझे नोट्स बनाने की इच्छा होती है, तो आप इसको खरीद सकते हो। ये जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगी सब इसमें वैसे ही है, जो मैं यहाँ बोर्ड में कराऊंगी वो सब कुछ इसमें है। इसमें देख रहे हो आपका सिलेबस है, शुरू में इसके पूरे कॉन्टेंट्स दिए हुए हैं, पूरा कॉन्टेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा,
आपकी मर्जी, आपको नोट्स बनाना है लिखिए, नहीं बनाना है मत लिखिए। अच्छा, लर्न एंड एंजॉय कह रहा है, ऑफलाइन का टाइम टेबल जरा देख लो एक बार। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर। ये आपका सिलेबस है जो मैं कराऊंगी, यानी ये जब खत्म, 20 शीट्स खत्म, और क्या खत्म, फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस थोड़ा कराऊंगी मैं आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करना है वो बताऊंगी, पैसेजेस क्लोज टेस्ट, आपकी जो वोकैबुलरी कराऊंगी उसमें सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करूंगी, उसी में 45-45 वर्ड्स रहेंगे हर शीट में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idioms एंड phrases भी रहेगा, और स्पेलिंग्स के रूल्स बताऊंगी आपको। अगर आप देखोगे तो कहोगे मैम सेंटेंस अरेंजमेंट पैसेज क्लोज टेस्ट कितना होगा, बेटा आपको करीबन 80 टेस्ट पेपर्स साथ में मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कराया है मैंने वो 80 टेस्ट पेपर साथ में मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो याद रखिएगा, आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस जिस दिन खत्म, आपका बैच खत्म होगा, पूरा मिला के आप रहोगे वन ईयर में, आपको कितनी बार चाहो देख सकते हो। अच्छा, अब सुनो, आपको स्कीम ऑफ एग्जाम भी मैं लोड करवा दूंगी आज, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं मैं एनडीए का तैयारी कर रहा हूं, कोई कहता है मैं पीओ का कर रहा हूं, कोई कहता है सीजीएल का है, कोई सीपीओ, कोई स्टेनोग्राफर, कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है। मैं आपको हर का जितना भी एग्जाम है सब का पैटर्न दिखा सकती हूँ, आपको खुद महसूस होगा यार पैटर्न तो सबका वही है, डिटेक्टिंग एरर वही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वही है, क्लोज टेस्ट, मतलब सब कुछ लगभग सेम है, तो फिर आप अलग अलग तैयारी क्यों करते हो। उसके बाद कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो एमटीएस तक ही देंगे। अरे भैया, जो सीजीएल वाले जिसका नहीं होता है ना वो सीएचएसएल भी देते हैं, और जो मारे होते हैं ना कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए चाहिए सरकारी, वो एमटीएस भी देते हैं, और एसएससी जो है ना वो जीडी एमटीएस एसएससी का सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो या सीपीओ हो, सबका एक ही क्वेश्चन बैंक बनाई हुई है और सब में मैं वही डालती रहती है, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि छोटा एग्जाम है तो छोटा लेवल, बड़ा एग्जाम है तो बड़ा लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। इनको पता है कि कहां कहां बच्चे फंसते हैं एग्जाम में, किस किस कॉन्सेप्ट में फंस सकते हैं, बस वहीं से देते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बैच नंबर 37, लेकिन मैं उसके पहले आपको जो मैंने सिलेबस दिखाया है, अभी मैं केडी लाइफ के टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगी, आप वहां से देख के इसको ले लीजिएगा, नहीं तो आज अब अगर अपने बैच ज्वाइन किया तो आपके बैच में सब कुछ स्टडी मटेरियल के सेक्शन में होगा, आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा, आपको सब कुछ क्लास वाइज मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करें।